फ्रेंड्स देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मेरा बाल जो था पूरा सफेद था, आपको दिखा सकती हूँ, और एक ही बाल मेरा सफेद था, आपको दिखाती हूँ। मैं रेमेडी इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे सारे बाल जो हैं नेचुरल तरीके से काले हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इस बाल को। और ये सिर्फ नीचे नीचे से जो है ब्लैक आप देख रहे हैं, सफेद रह गया है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सफेद आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये सिर्फ नीचे नीचे से जो है सफेद रह गया, बाकी सारा बाल जो है मैं आपको जड़ भी दिखा देती हूँ इसकी। ये देखिएगा, ये काला आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर, आप देख सकते हैं इसका कलर आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। और इसको मैं देखती हूँ तो ये देखिएगा आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो है ये पूरी तरीके से काला होना शुरू हो गया। और अब मैं आपको इसकी जड़ भी दिखाती हूँ, सफ़ेद था। अगर आप रेमेडी इस्तेमाल करते तो 30+ वाले लोग भी अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, 40 की एज में भी आपके बाल काले हो सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरा सफ़ेद बाल है, और सिर्फ ये इतना सा रह गया है। ये आप देखिएगा, आपको मैं शायद जो है कैमरे में इतनी जो है अच्छे से पिक नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके से देख लीजिए। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं सारा बाल जो है मेरा काला हो चुका है, और ये देख लीजिए ये यहाँ से आ रहा है। मैं आप अपने बालों को काला कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, और ये देखिएगा ये कुछ यहाँ से आ रहा है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैं आपको इसकी जड़ से भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ से ये बाल आ रहा है, और ये बिल्कुल काला ही हो चुका है, बस ये हल्का सा बाल जो है ये सफ़ेद रह गया है, और ये पूरी तरीके से ये भी काला ही हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा हम काफ़ी सारी रेमेडीज़ जो है बनाते हैं, तो हम अपने लगा लेते हैं इस तरीके से, और ये जो है वर्क करती है, 101% वर्क करती है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स मैं आज एक ऐसी पावरफुल रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ, किसी भी उम्र में आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं इसे 100% नेचुरल तरीके से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो चलिएगा वीडियो रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये ले रही हूँ मैं कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी ही आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो को पूरा देखिया करें, स्किप करके ना देखा करें, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैंने क्या चीज़ डाला था। ये देख लीजिए, कस्तूरी हल्दी नॉर्मल हल्दी की अपेक्षा जो है कलर में चेंज है, आप देख सकते हैं। इसका बिल्कुल भी जो है कलर बिल्कुल पीला नहीं है, इस तरीके का इसका कलर है। इतना मैंने लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने कस्तूरी हल्दी का यूज़ किया है यहाँ पे, कि बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद मैं नीलगिरी का पाउडर ऐड करूँगी इस तरीके से। ये देखिएगा, नीलगिरी का पाउडर जो है आपके बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, और आपके बालों की जितनी भी समस्या होती है सबको दूर करता है। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, जो पाउडर मैं लेने वाली हूँ वो है नीम पाउडर, यानी कि मीठी नीम का पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून मीठी नीम का पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं इसमें जटामासी यूज़ करूँगी। जटामासी जो है प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर हो, बालों में टूटने की समस्या हो, बालों में झड़ने की समस्या हो, सभी को दूर करता है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, जटामासी का कलर आप देख सकते हैं, और पाउडरों की अपेक्षा थोड़ा सा डार्क है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर को दूर करने के लिए। आपके बाल कितने ही टूट रहे हों, झड़ रहे हों, आपके कम उम्र में सफ़ेद होना शुरू हो गए हों, तो आप जटामासी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जटामासी को आप किसी तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होने लगते हैं। आपको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है, जब तक ये बिल्कुल जो है ब्लैक फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट नहीं हो जाते। हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिए, 2 से 4 मिनट ही करना है। सिम गैस पे आपको ये सारा काम करना है, सारा प्रोसेस करना है। ये आपके सफ़ेद बालों को आने से तो रोकेंगे, साथ ही प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर भी दूर करेंगे। बालों का टूटना झड़ना भी इसी पैक से ही आपका बंद होगा, बाल बहुत ज़्यादा आपके चमकीले बनेंगे। इस पैक को मैं हफ्ते में एक बार लगाना ज़रूर से पसंद करती हूँ, आप चाहें तो 15 डेज में एक बार लगा सकते हैं। ये पैक आपके किसी भी तरह के बाल टूट रहे हों, आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या हो, सभी को दूर करेगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसे मिक्स करते जाना है। अब ये हल्का हल्का रोस्ट होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें फिर पानी ऐड करना शुरू करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इतना पानी ले लिया है इसमें डालने के लिए, और इस तरीके से आप इस पैक को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ये जो है बॉयल होना शुरू हो गया है,
बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके बाल 100% इससे काले होते हैं। और इस तरीके से आप इसे मिक्स करते जाइए। देखिएगा थोड़ा थिक हो चुका है, इस तरीके का आपको रखना है। ध्यान रखिएगा आपको फिर गैस का फ्लेम बंद करना है, क्योंकि हमें इसमें एक पाउडर और डालना है, यानी कि हमें डालना है इंडिको पाउडर। इंडिको पाउडर आप इसमें डालेंगे, ज़्यादा गर्म पानी में इंडिको वर्क नहीं करता, ज़्यादा ठंडे में नहीं वर्क करता, तो आपको ध्यान रखना है 5 से 10 मिनट इसको ठंडा हो जाने देना है, तभी इंडिको डालना है। थोड़ा सा थिक कर लीजिए तभी आप इसका इस्तेमाल करें। अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। देखिएगा फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और मैं इसमें 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून इंडिको पाउडर का यूज़ करूँगी। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसमें इंडिको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है इंडिको पाउडर, आपको इसे इस तरीके से डाल देना है। ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा जो है हल्का गर्म ही रहता है, तभी आपको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा गर्म में ज़्यादा ठंडे में नहीं डालना है। इस तरीके से ये देखेगा, ये मैंने इसको डाल दिया है और मैं इसे अब कम से कम 10 मिनट के लिए इसमें ही रखा छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट बाद ये बनकर रेडी हो जाएगा हमारा। इस तरीके से पोलोथीन से अच्छे से इसे कवर आउट कर देना है 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको इसे कवर आउट करके रखना है, फिर आप देखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे पोलोथीन से रैप कर दिया, ये देखिएगा फ्रेंड्स, पोलोथीन से रैप कर दिया है। फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट हो गए हैं ओवर, और हम इसे देखते हैं अभी से ये किस तरीके का बनकर रेडी हुआ है। तो देख रहे हैं आप, इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा इसका रंग था उससे बिल्कुल ये चेंज हो गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो रंग था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस तरीके का ये बनकर रेडी हुआ है हमारा। आपको अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। देखिएगा इस तरीके से कोई लम्स वगैरह होंगे तो सब निकल जाएंगे बिल्कुल। आप इसका देख सकते हैं टेक्सचर किस तरीके का बनकर रेडी हुआ है। टेक्सचर आपको इसी तरीके से रखना है, ज़्यादा आपको पतला नहीं करना, ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना। इस तरीके से आपको टूथब्रश की हेल्प से ही इस्तेमाल करना है, या आप जो है अपने हाथों को पोलोथीन से कवर आउट करके तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, हमें किस तरीके से लगाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से लगा कर छोड़ देना, 2 घंटे बाद आपको वॉश नॉर्मल पानी से कर देना है।